मित्रों, जड़ी बूटियां बहुत ही चमत्कारिक होती हैं। ये जहां स्वास्थ्य के लिए हितकारी हैं, वहीं इनके कई चमत्कारिक प्रयोग भी प्राचीन काल से किए जाते रहे हैं। तांत्रिक कर्म में भी जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है और इसके चमत्कारिक लाभ का दावा किया जाता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह हम नहीं जानते, आप किसी जानकार से पूछकर यह प्रयोग करें। यहां पर सिर्फ जानकारी हेतु ही बताया जा रहा है। मित्रों, ये पेड़ जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है वट वृक्ष, बड़ का पेड़, बनियान ट्री, और इसका बॉटेनिकल नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। तो मित्रों, ये है वट वृक्ष, बड़ का पेड़ और वनियान ट्री, बॉटेनिकल नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। आप अपनी अपनी प्रादेशिक भाषा में इसका नाम जान सकते हैं बॉटेनिकल नाम से। तो मित्रों, ऐसे व्यापारी वर्ग और जमींदार लोग जिनके गोदाम अन्न से भरे रहते हैं और चाहते हैं कि और समृद्धि हो, उन्हें चाहिए कि वे सुबह नहा धोकर स्वच्छ कपड़े धारण करके इस वट वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर खड़े हों और प्रार्थना करें कुछ पत्तों के लिए। तो कौन सा दिन होना चाहिए? अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र 12 अक्टूबर है आज। मैंने इसको वीडियो को 12 अक्टूबर को बनाया था। तो 12 अक्टूबर को अश्लेषा नक्षत्र है और अगला नक्षत्र अश्लेषा अगले महीने में 8 नवंबर को आ रहा है। तो आप 8 नवंबर को कर सकते हैं। तो स्वच्छ कपड़े धारण करके वट वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और कुछ पत्तों के लिए प्रार्थना करें। दिन होना चाहिए अश्लेषा नक्षत्र। ये पत्ते अब मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरह से साफ सुथरे पत्ते जिसमें छेद ना हो। तो अपनी आवश्यकता अनुसार लगभग 10 तोड़ लें और इनको घर पर लाकर स्वच्छ पानी से या गंगा जल से धोकर अन्न के भंडारण में, गोडाउन में व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग और जो भी धन धान्य से संपूर्ण होना चाहते हैं वो लोग करें। तो समृद्धि आसमान को छूने लगेगी, आप करके देख लें। मित्रों, अब मैं बता रहा हूं ऐसे व्यापारियों के लिए और दुकानदारों के लिए जिन्हें धन की बढ़ोतरी करनी होती है। कोई भी कर सकता है, केवल बनिया वर्ग ही नहीं बल्कि कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। मित्रों, अश्लेषा नक्षत्र में सुबह जैसे आए थे ऐसे ही आए, और ये कम से कम 10 साफ सुथरे पत्ते तोड़ लें और प्रार्थना अवश्य करें। घर पर लाने के बाद स्वच्छ जल या गंगा जल से धोकर साफ कपड़े से पहुंचकर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं सभी पर और हाथ जोड़कर अपने गल्लों में, तिजोरियों में या जहां पर भी घर का मंदिर है वहां पर रखें। तो इस तरह करने से धन के आने के मार्ग खुल जाएंगे और कीर्ति बढ़ने लगेगी। तो एक बार मैं फिर बता दिखा रहा हूं, ये है वट वृक्ष, अभी इस पर फल नहीं है, नहीं फल दिखा देता। फल जो है गुलाबी होते हैं, पकने पर बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मित्रों, ये मैंने जानकारी दी है केवल अपने पुस्तकों के ज्ञान के अनुसार। आपको अच्छा लगे तो करें, नहीं लगे तो मत करो, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन कमेंट्स में गलत बात मत लिखो। मित्रों, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो अपने अपने मित्रों को शेयर करें, इसमें 2 पैसे का खर्च नहीं है
और आप अपने मित्रों की भी सहायता कर सकते हैं, जिसमें कोई खर्ची ना हो, तो उसे प्रयोग करने से क्या नुकसान होता है। इसी के साथ नमस्कार, नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा कल्याण।